डिजिटल न्यूज 20 से अरुण कुमार शाही मुजफ्फरपुर। आपका क्या नाम हुआ? सुधाकर कुमार। सुधाकर जी, ये एसकेएमसीएच के इमरजेंसी में क्या परेशानी आपके माता श्री को क्या हुआ? माता जी का नाम है उर्मिला देवी, गांव और पति का उनका नाम है श्री महेंद्र सिंह, और कल एक्सीडेंट इनका हो गया। अच्छा। कल यहाँ लेके आए उस समय थोड़ा मोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद कोई न डॉक्टर था न कुछ था। ये चिल्ला रही थी, हम विकलांग आदमी है, हमें सफदर रह के बौवा रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। अंत में हम अधीक्षक को फोन किए, अधीक्षक किसी एक डॉक्टर को भेज दिए, वो थोड़ा मोड़ा उस समय दवा कर दिए। फिर सुबह में कोई नहीं था, सुबह में फिर चिल्ला रही थी, कोई देखने वाला नहीं था। स्टाफ रूम में गए वहाँ कोई नहीं, कंट्रोल रूम में गए वहाँ कोई नहीं। विकलांग होके हम तबाह हो गए, मेरा पैर से चलने वाला नहीं है, और कोई यहाँ पूछने वाला भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। फिर हम अधीक्षक को फोन किए तो एक डॉक्टर को भेजे, तो मेरा जितना इनका कागज था बीएचयू बस टोटल गायब हो गया। और फिर 5 रुपया का हम अपने से पुर्जा कटाए हैं, तो फिर उसके बाद उस पर दवा लिखाया गया। डुप्लीकेट बीएचयू ओरिजिनल नहीं मिल पाया अभी तक नहीं मिला। अधीक्षक कहे हमको कि हम अधिक खोजवा रहे हैं, स्टाफ से बोले कि सब हम खोजवा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला। क्या हो रहा है? आपका क्या नाम हुआ? यहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं समय समय पर? 3 बजे भर्ती हुआ है मेरी माँ। अच्छा, 3 बजे भर्ती हुए हैं। अच्छा, ईश्वरी अल्ट्रासाउंड के लिए पर्ची भेज दिया है 10 बजे की, अल्ट्रासाउंड करा के जल्दी से अल्ट्रासाउंड करा के बैठे हुए, लेकिन कोई डॉक्टर यहाँ खोज रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। ये नहीं एसी का व्यवस्था है, एसी लगा हुआ है, नहीं फैन चाहे। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? राम संजीवन सिंह। क्या परिचय हुआ आपका, क्या समस्या है? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? मेरा नाम नवीन कुमार हुआ, मैं मोतिहारी से यहाँ आया हूँ। ये मेरा साला है जो मानसिक रूप से ग्रसित है। अच्छा। इसको दिखाने में लाया था, मैं पहले प्राइवेट से डॉक्टर आईडी सिंह के द्वारा प्राइवेट से इलाज कराया, लेकिन उनका दवाई कोई काम नहीं किया, तो मैं यहाँ लाया था कि मेडिकल में भर्ती करा के इसका सही ढंग से इलाज कराऊंगा। अच्छा। लेकिन यहाँ आने के बाद में डॉक्टर आईडी सिंह और उसमें डॉक्टर संजय कुमार से 9 नंबर कक्ष में जो मानसिक रोग का मतलब विभाग है, उसमें ये दोनों थे, और ये इलाज करने से मना कर दिए। क्या बोले? बोले कि ये भर्ती नहीं होगा, ये मेरे बस का केस नहीं है, यहाँ भर्ती नहीं होगा। बदतमीज के तो हमको मारे हैं, और हमसे मारपीट करने के लिए उतार दे दिया हमको। डॉक्टर संजय कुमार अपनी कुर्सी से खड़ा हो गए हमको मारने के लिए। अच्छा। मैं इसकी लिखित शिकायत सर दे दिया हूँ अस्पताल प्रशासन को, और मैं थाने में भी जा रहा हूँ आवेदन देने। अच्छा। हाँ, इस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, उचित कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो मैं आगे भी इसका कंप्लेन करूंगा। किसी बच्चे के साथ मारपीट? जी जी, ये जी। आपका क्या नाम हुआ? ये इनकी माता जी हैं। अंजू देवी। आपका ये लड़का कौन है? आपका लड़का है? अच्छा अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ? हमको साथ ये है, पागल लड़का है, प्राइवेट में ये समाज के लिए घातक हो गया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब क्या किए? डॉक्टर साहब आपको क्या किए? मार के बिलगा दिए। आपको भी मारे हैं? इलाज नहीं हुआ। आपको भी? इसको नहीं मारे, इनको नहीं मारे हैं, हमारे साथ धक्का मुक्की किया। अच्छा अच्छा अच्छा, इलाज नहीं हुआ, कोई दवा नहीं लिखे? नहीं, कोई जमा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बताइए क्या पर्ची है ये? ये सर ये ओपीडी का पर्ची है। अच्छा। ये ओपीडी जो डॉक्टर आईडी सिंह के द्वारा ही इस पर दवाई लिखा गया है। आज लिखे हैं, बोले कि ले जाओ इसको, ले जाओ खिलाओ। अच्छा। हमने उनको बोला है कि सर ये आग जा रहा है, लोगों को मार रहा है, पी रहा है, दवा ढंग से नहीं खा रहा है, इसको यहाँ भर्ती करके इसका इलाज कराया जाए। यही कहने पे ये लोग हमसे मारपीट करने के लिए उतारू हो गए। इतना ही बात कहने पे ये लोग हमारे साथ मारपीट करने को उतारू हो गए। ये ओपीडी का पर्ची है। अच्छा, और ये जो हमने अस्पताल अधीक्षक को लिखित शिकायत दिया है, ये उसकी कॉपी में दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, अभी मैं थाने में जा रहा हूँ, थाने में भी कम्प्लेन करूंगा। अगर इस पे त्वरित और उचित कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं आगे भी कम्प्लेन इसका लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे मुख्यमंत्री तक क्यों न जाना पड़े, मैं जाऊंगा। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।